Assalamualaikum viewers, उम्मीद है आप बंद कर बस. Assalamualaikum viewers, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे. आप देखें आपका अपना चैनल की एस विहारी. तो आज की जो वीडियो है उसकी अनबॉक्सिंग है, आपको बता दूं. ये देखें बहुत ही प्यारी चीज़ है. ये है डियाना 34 क्लासिक की. हमने ओरिजिनल बोकी जो है वो परचेज़ की है. तो हमारी गन की बोकी ख़राब हो गई थी. 4-5 दफ़ा जब हम हंटिंग पे गए हैं काफ़ी मिसिंग हुआ है, तो फिर समझ नहीं आ रहा था पता नहीं क्या हुआ है. तो लेकिन अक्सर जो व्यूवर्स हैं, अच्छे जो शिकारी दोस्त हैं, वो बताते हैं कि जो डियाना की ख़ास तौर पे बोकी होती है वो तो लाइफ टाइम होती है, वो तो कभी ख़राब हो नहीं सकती. ठीक है, तो काफ़ी भाइयों से, काफ़ी डीलर से हमने पता किया, कहीं से भी ओरिजिनल बोकी हमें नहीं मिली. ठीक है, ये स्पेशल हम शुक्रिया अदा करते हैं मजीद सन्स वालों का. मुल्तान से हमने ये परचेज़ की है और इसकी प्राइस है 1500 रुपये. 1500 रुपये में हमने ये परचेज़ की है. मैं आपको दिखा देता हूँ ओरिजिनल की. बाकी भी वैराइटीज़ होंगी और भी कलर्स होंगे, लेकिन जो ओरिजिनल जो इसका कलर है ना, ये ब्लू कलर का है. ये देखें, ये देखें सर, और ये साइड है इसकी. और इंशाल्लाह अब जो इसके साथ जो हम गन के साथ जो निकालेंगे वो बोकी भी देखेंगे, तो ये और ये दोनों मैच करती हैं या नहीं करती है. और इसके अलावा ये देख लें, ये ट्रिगर है T06. और इसके अलावा ये ओरिजिनल हमने स्प्रिंग परचेज़ किया था अब्दुल मजीद वालों से. और ये दो एक साल निकाल जाता है टिकाव की शिकार करें तो. लेकिन 700 रुपये का भी मिल जाता है, लेकिन उसका वो एक सीज़न ही निकालता है. लेकिन ये जेन्युइन है, 3000 रुपये का हमने परचेज़ किया था. ये कन्फर्म है अब्दुल मजीद जो सन्स वाले हैं, मुल्तान वाले हैं, जो उनसे जो भी आप चीज़ परचेज़ करेंगे वो ओरिजिनल ही होगी. इसमें कोई डाउट नहीं है कि ओरिजिनल चीज़ ही आपको देंगे. और उसके साथ हमने ये पैलेट्स परचेज़ किए थे, उनके पास पुराने स्टॉक में पड़े हुए थे. ये देखिए, एक टिन हमने प्रो मैग्नम के लिए, ठीक है, और दूसरा टिन हमने परचेज़ किया है गैमो का. ठीक है, ये देखिए इसके पैलेट्स चेक करते हैं कैसी कंडीशन में है. अच्छी कंडीशन में है. ये देखिए, ये आपको दिखा दूँ सर थोड़ी सी. बाकी इसके चमकारे शमकारे जो मारने सर्फ के साथ धोने वाले वो देखेंगे इसके साथ इंशाल्लाह, उसको भी साफ़ करेंगे. और प्रो मैग्नम की चेक करते हैं. भाई बंद है काफ़ी, ये गलत ढक्कन इसका बंद हो गया. ये देखिए, ये भी अच्छी कंडीशन में है. पहले हम ऑयल जो मशीन वाला ऑयल है या कोई ग्रीस वो इस्तेमाल करते थे अब जब इसकी ट्यूनिंग करते थे गन की. तो लेकिन अभी हमें पता चला है सिलिकॉन ऑयल, ठीक है, ये अक्सर P10 P15 इनके साथ ये सिलिकॉन ऑयल ऑलरेडी दे देते हैं. तो ख़ास तौर पे हम आमिर पंप के साथ जो जिसके साथ पंप हवा फिल करते हैं तो उसके साथ ये मिल जाता है. तो ख़ास तौर पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. ये थोड़ा सा ऑयल ये हमने पता किया है काफ़ी जगहों से, यहाँ मुल्तान से पता किया है, विहाड़ी से, अपनी सिटी से पता किया है, कहीं से भी हमें वो कह रहे हैं हमने लेकर आना ही बंद कर दिया. मोली ग्रीस के नाम, मोली ग्रीस इसको कहते हैं, वो ग्रीस भी हमने पता किया है, वो भी नहीं मिली हमें. इसके अलावा सिलिकॉन ऑयल और ठीक है, वो भी हमने पता किया, वो भी हमें नहीं मिला. तो एक बड़े मेडल ऑफ थैंक्स आमिर भाई हैं, पक्की बोर्ड से इनका ताल्लुक है, P15 उन्होंने परचेज़ किया है यासिर खान से. तो बंडल ऑफ थैंक्स आमिर भाई, उन्होंने ये स्पेशल हमें भिजवाया था. उनसे भी वो कह रहे थे मेरे पास भी भाई, वो किसी बच्ची ने जो जिसमें था ना वो उल्टा दिया था, थोड़ा सा उनके पास पड़ा था, ये हमें थोड़ा सा उन्होंने भेजा है. बंडल ऑफ थैंक्स आमिर भाई, शुक्रिया अदा करता हूँ दिल की गहराइयों से आमिर भाई को. ये देखें इसकी, अभी हमने इसकी रॉड निकाला हुआ है, ठीक है, अभी इसकी जो बोकी है वो खोल के दिखाएंगे. बोकी मुझे लगता है बोकी खुल गई, आपकी दिखाएंगे मुझे, ये दिखा दें मुझे. वो बकर भाई साथ में है, ये देखिए, ये इसकी ये रॉड दिखा रहे हैं बकर. ये हमने बोकी इसकी खोल ली है, ठीक है, ये वाली इसकी कंडीशन थी, मैं आपको दिखा दूँगा बकर भाई इसको दिखाएं ना. ये देखिए, एक साइड से नुक्कर इसकी टूटी हुई है जिसमें से हवा लीक होती थी, जिसकी वजह से प्रेशर नहीं बना पाती थी.
और 1 मिनट, अब इसका और इसका कंपैरिजन करते हैं, ये दोनों एक जैसी चीज़ें हैं या डुप्लीकेट हैं। अब मैं नहीं से देखता हूँ, ये देखें, ये भाई ये है, ठीक है। अब इसके बैक साइड पे कुछ लिखा हुआ है, मैं देख लेता हूँ। जो हमारे पास है डियाना लिखा हुआ है ओल्ड पे, जो हमने निकाली है डियाना, उसके बाद 28-1 लिखा हुआ है, ठीक है। और जो नई हमने परचेज की है इसके ऊपर भी डियाना लिखा हुआ है 28-1, सेम टू सेम 19-20 का फर्क नहीं है। दोनों बोकियाँ जो है ये ओरिजिनल है, कन्फर्म है, ठीक है। और इंशाल्लाह अभी इसकी फिटिंग करते हैं, फिटिंग की भी आपको अभी बताते हैं, फिटिंग इसको कैसे करते हैं, ठीक है, शुक्रिया। ये देखें, ये देखें कितनी स्लिप, अभी टेंशन हो रही है, देखें ना। अभी हमारे पास तो औजार तो है नहीं जिसकी वजह से हम इसको डाल सकें, ये भी तो बार बार मिस हुआ है। तो वेरी गुड, जोर लगा रहे हैं, जोर लगा के है। अंडा अभी अबू बकर भाई को अंडा भी खिलाया है, माशाल्लाह करीब रह गया मामला। अभी 0-0, अभी फिर भी देखें वैसी की वैसी है, फिर इसकी ऐसी की वैसी, इसकी जैसी की ऐसी, अभी वैसी की वैसी खड़ी है यार। काफ़ी बारीक जगह है ना, तो मसला बनता है, हाथ का अलग डर लगता है। हाँ फिर हाथ भी ना आ जाए इसमें, हाथ में वो भी टेंशन वाली बात है ना। अब देखिए ना, काफ़ी मुशक्कत वाला काम है। अब वो कर भी कह रहे हैं अन्ना जोर लगाना पड़ेगा, तो देखते हैं अन्ना जोर कैसे लगाते हैं। ये वो कभी आपकी बस की बात नहीं है, ये इमरान भाई जो 45 वाले पुलिस में है ना, उनकी ट्रेनिंग अच्छी खासी है, तो और महबूब भाई वो कर सकते हैं। बाबा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं भी देखा, कोई भी नहीं देख रहा यार, कोई मसला नहीं है ये, बिल्कुल इंशाल्लाह अभी वही तो है, हो जाएगी, जोर लगा के हो जाएगा इंशाल्लाह। नज़दीक है काम, नज़दीक है, नज़दीक है भाई, नज़दीक है, घुमा के, वेल डन, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अब दिखा दें, बंडल ऑफ थैंक्स, बहुत ज़्यादा यार कोशिश की। एक मिनट जूम बैठ ख़राब हो, आप ये देखें ना, ये खाएँ बहुत कर पाए मुझे, शुक्र है, बंडल ऑफ थैंक्स, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बोकी भी बच गई है, दिखाएं ना, बोकी भी कहीं से कट भी नहीं है, शुक्र है, तजर्बा था, किसी ने भी नहीं देखा। जो जो भाई हैं आपने खुद ही, आप किसी आप भिजवा देते ना, फिर 4,000 रुपये आने जाने का खर्चा, ऊपर से 15-20 100 रुपये वो मांग लेते भाई, ये है वो है, ओके ओके, बंडल ऑफ थैंक्स। ये है पूरा पंप, ये पंपड़ है, ठीक है, पिस्टन, इसको राड भी कहते हैं आपके, ठीक है, आम वैसे राड इसको कहते हैं, आप पिस्टन भी कह देते हैं, पिस्टन इंग्लिश में कहते हैं, और बोकी आम जबान में हम इसको कहते हैं, सील भी इसको इंग्लिश में सील कह देते हैं, इसको हम पंप कह देते हैं, बोर भी कहते हैं, आम बोर इसको कह देते हैं या पंप कह देने की बात है। बड़ी मुश्किल के साथ ये शुक्र अल्लाह पाक का फिट हो गई, ठीक होंगे, कफल तो आपको ना, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, देखने को की ब्लू कलर की है, ये सोचने नहीं जाएगी कैसे। और बाकी इसको देखेंगे आप डालते वक्त, ये पुरानी पड़ी है, किसी भाई को चाहिए तो व्हाट्सएप पे नंबर पे आके ले सकते हैं, पुरानी है, ये ओरिजिनल ही है जी, ये देखिए।
और ये बात अक्सर भाई कहते हैं यार आप ऐसे किसी कारीगर को दिखा दे अगर थोड़े से पैसों की बात नहीं होती, वो बात ठीक है, लेकिन जो भी बंदा करता है खुद को उसको एक्सपीरियंस हो जाता है कि भाई कैसे करना है कैसे नहीं करना, ठीक है ना, हर नुकसान के बाद बंदे को फ़ायदा ही होता है, तो इसमें डरने वाली बात नहीं है, खुद ही अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह, एक बंदा खुद ही एक्सपर्ट बन जाता है। जो बंदे ये जो गन्स बनाते हैं ये बैरल बनाते हैं वो भी माँ की पेट से सीख के नहीं आए। कोशिश तो करते हैं पूरी एहतियात के साथ, वो कोई टेंशन ना हो, वो कि फटे ना, ठीक है। तो ये अभी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन इसकी जो बुकी है वो लाइफ टाइम होती है, वो बंदा सुन ये ख़त्म होने में होने का नाम नहीं लेती, लेकिन इस लेकिन 2-3 साल हो गए हमें यूज़ करते हुए, तो अचानक से इसको ये रोना बंद है। और बंडल ऑफ थैंक्स ताहिर सज्जाद भाई हैं हमारे, गुजरा वाले से भाई हैं, तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे बताया कि सर जी कि ये अगर आप एक एक परिंदे को 3-3 प्लेट लगा रहे हो, ठीक है ना, तो इसका यही मतलब है, इसका भूखी का कोई इशू है। ये देखिए ना ताहिर भाई का बंडल ऑफ थैंक्स, ताहिर भाई ने हमें गाइड किया। तो उसके बाद अबू बकर भाई ने इसको खोल के देखा है, ये देखिए जगह जगह से ये फटी हुई है, तो जिसकी वजह से हवा लीकेज होती थी और प्रेशर नहीं बन पाता था। और एक इसमें प्रॉब्लम ये है कि हंटिंग में गए थे तो कम से कम एक ही दिन में 10-12 हरियर मिस हुए थे, तो वो कभी ऊपर जा रहा है प्लेट, कभी नीचे साइड पे जा रहा है, कभी किधर जा रहा है, तो हमें फिर टेंशन हो गई थी, पता नहीं क्या इशू है इसका, स्कोप का कोई इशू है, स्कोप हमारी सेंटर पॉइंट की थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो फिर उसको रिपेयर किया, वो भी रिज़ल्ट ठीक दे रही थी, लेकिन फिर उसको हमने सेल कर दिया कि भाई उसका स्कोप का कोई इशू है। फिर उसके बाद हमने UTG की स्कोप ली है, 6-12, 6-24, 4-50 की, उसके साथ भी किया हंट, फिर भी वो समझ नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या इशू हो गया, क्यों गन सही नहीं मारे, वो चेंज किया। उसके बाद फिर डिस्कवरी की आगे किससे आपने मंगवाई है, अली हसन से, अली डी जी खान से उनका ताल्लुक, उनसे मंगवाई है, उसके साथ भी थोड़ा सा रिजल्ट ठीक दे रही थी, कभी कम कभी ठीक, फिर भी टेंशन हो रही थी। लेकिन सज्जाद भाई, आहिर सज्जाद भाई ने जो गुजरा वाले से ताल्लुक है, उन्होंने मुझे जाना मुझे व्हाट्सएप किया कि सर भाई ये इसका ना उन्होंने बताया कि आपका बोकी का प्रॉब्लम है, बोकी इसकी ख़राब है, लेकिन उससे पहले अबू बकर भाई ने ये राड ये निकाल के ना चेक कर रहे थे, पता नहीं क्या इशू है, ऑलरेडी उन्होंने तस्वीरें भी लगाई हुई थी कि ये बोकी है, ये चल सकती है या नहीं चल सकती, लेकिन अक्सर कॉमेंट्स में लोगों ने इमरान भाई हैं पंजाब पुलिस से, बिहारी से उनका ताल्लुक है, उन्होंने बताया अबू बकर भाई बोकी इसकी ख़त्म है, अपनी वो बोकी लें। और महबूब भाई ने भी यही बताया कि गढ़ा मोड़ से उनका ताल्लुक है, बहुत प्यार करने वाले भाई हैं, महबूब आलम और इमरान भाई दोनों ही हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने हमें बताया कि आप ये गाड़ी इसको चेंज कर लें, ये इसकी जो है ना ख़त्म हो गई है। तो वैसे और माँ जकत भाई पूछ रहे थे आपके पास गन कौन सी है, प्लेट्स कौन से यूज़ करते हैं, भाई गन हमारे पास डियाना 34 क्लासिक है, ठीक है, और इसमें हम प्लेट मैंने आपको पहले बताया कि ये प्रो मैग्नम हम मैच भी यूज़ करते हैं और प्रो मैग्नम भी इसमें यूज़ करते हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रही थी, हो सकता है हम एक और हमने हल निकाला था, हो सकता है प्रो मैग्नम सही रिजल्ट ना दे रहा हो या मैच मंगवा लें, हमने इस वजह से 2 10 मंगवाए हैं मैच और प्रो मैग्नम के, तो लेकिन उसके बाद कट्टी कट्टा खुल गया ये इसका बोकी का कि बोकी इसकी ख़राब है, लेकिन इंशाल्लाह इसके साथ जो भी इसका रिव्यू अगर रिजल्ट होगा ठीक है, इंशाल्लाह टोट हो गया तो आप भी अब इसके बाद इसका जो भी रिज़ल्ट होगा इंशाल्लाह वो आपको साथ शेयर करेंगे, खुश रहे। और भाई अक्सर पूछ रहे थे भाई आपका नंबर क्या है कोई इन्फॉर्मेशन के लिए, भाई 3-0-300-773-30-30 मोबाइल नंबर है, और ये बोकी एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूँ, ये टिन हमने परचेज़ की 600 रुपये, 600 रुपये की पर टिन इसकी प्राइस है, बोकी हमने परचेज़ की है 1500 रुपये की, और एक दफ़ा हमने वो साइट का रिव्यू किया था, साइट हमने विद डिलीवरी 2200 रुपये की, हरियाणा की रेल साइट थी, वो हमने 2200 रुपये की परचेज़ की थी, लेकिन उसके साथ भी रिज़ल्ट नहीं दे रही थी क्योंकि बोकी का इशू था, इस वजह से वो साइट रिज़ल्ट नहीं दे रही थी, लेकिन अब इंशाल्लाह हम उसको साइट को भी लगा के देखेंगे कि वाकई वो साइट रिज़ल्ट देती है या नहीं देती, अब गन का प्रॉब्लम था,
और उसके बाद इंशाल्लाह उसकी वीडियो बनाएंगे, वो साइट अच्छी है या नहीं है। क्योंकि बाज़ अवकात कोई ऐसे भी डीलर हैं वो कहते हैं भाई 6,000-7,000 की वो साइट देंगे। अक्सर भाइयों अक्सर भाई साइट यूज़ करते हैं कि भाई साइट के साथ ही हम शिकार करना पसंद करते हैं, स्कोप वो लगाना पसंद नहीं करते। लेकिन कुछ भाइयों के वो इतनी नाजुक सी होती है, अगर गिर जाए तो गन वो टूट जाती है। और अगर आप किसी से पूछते हैं भाई साइट अवेलेबल है, साइट अवेलेबल है, कुछ भाइयों जिनके पास पड़ी होती है वो कहते हैं भाई 6,000-7,000 से कम नहीं है, रेट डॉलर का बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया। और अक्सर जो हंटर है वो डरते हैं कुछ जो चाइना, ये कौन सी गूगल भाई हमने मंगवाई थी, ये साइट है तुर्किश की है, तुर्की ये तुर्की की है, तुर्की की ये साइट हमने मंगवाई है, वो भी रिज़ल्ट नहीं दे रही थी लेकिन बोकी का प्रॉब्लम था। अब इसके साथ इंशाल्लाह साइट के साथ 2-4 वीडियो मैं बनाऊंगा और जो भी उसका रिज़ल्ट होगा वो आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। 2,200 रुपये कोई पेमेंट नहीं है, ओरिजिनल साइट किसी उसी मुनिस भी इसका फ़र्क नहीं है, वैसी साइट है। और ये स्पेशल मेटल में है, लोहे में है, तो टूटने का ख़तरा भी इसका काफ़ी कम होता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है इस ये बेहतर रिज़ल्ट ही देगी। और भाइयों को मैं बता दूँगा कहाँ से परचेज़ करनी है उसके बारे में, क्योंकि खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, दुआओं में याद रखिएगा। और एक छोटी सी बात यह है कि मैं ख़ास तौर पर अक्सर कहता हूँ कि जिन भाइयों को हंटिंग से प्रॉब्लम है, हंटिंग देखना पसंद नहीं करते कि यार जुल्म है, ये है, वो है, तो प्लीज़ वो हाथ जोड़ के कहता हूँ वो मेरी वीडियो से दूर रहें। तो कोई और चैनल है वहाँ पे आप वॉच कर लें, हमारे चैनल को ज़रूरी तो नहीं है कि हमारे चैनल को आपने वॉच करना है, वीडियो देखनी है। तो ये ख़ास तौर पर मैं अपने भाइयों हंटर हज़रात के लिए बनाता हूँ। ठीक है, शुक्रिया, हाफिज़।